Hi students, 12 physics chapter 1 electric charges and fields. और आज हमारा टॉपिक रहेगा गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. और गॉस लॉ इज एन ऑल्टरनेट टू कूलम्ब्स लॉ. तो इसे कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स ए डिफरेंट वे, इंटरेस्टिंग वे, इजी वे, एक्साइटेड वे टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स. तो इस लॉ को जब हम स्टडी करेंगे तो ये देखते हैं, ये गॉस ने लॉ दिया, उसमें एक हम बात करते हैं क्लोज सरफेस की. मान लीजिए इसके अंदर कहीं क्यू चार्ज रखा है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है, सरफेस है, और ये क्लोज सरफेस है. तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्री डायमेंशनल इस तरह से इसमें से एमर्ज करेंगी. और आपको पता ही है चार्ज की अमाउंट पे डिपेंड करेगा कितने फील्ड लाइन आप ड्रॉ करते हो, ये मैटर ऑफ चॉइस होता है वैसे. तो ये फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स. तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या है पहले वो लिखते हैं लोग का. इट स्टेट्स दैट नेट फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास होगा फाई, वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो यहां फ्लक्स क्या है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, क्लोज सरफेस. क्यू है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और ε0 हमें पता है इट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू आपको पता है 8.854 × 10⁻¹² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर. तो ये चीज है. तो ये था आपका गॉस लॉ. थोड़ा सा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम फ्लक्स का मतलब क्या है, किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल थ्रू द क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस, इसे हम फ्लक्स से दिखाते हैं. और ये बराबर इसका हुआ है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो गॉस लॉ क्लियर, ये गॉस लॉ था. अब हम इसके बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं. तो गॉस लॉ का प्रूफ लेने के लिए हम, अगर मैं बात करूं गॉस लॉ का प्रूफ, तो गॉस लॉ हम जब प्रूफ करते हैं तो ये कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से करेंगे. यानी कि इसी हेडिंग को मैं लिख सकता हूं गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ. क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मान लीजिए यहां क्लोज सरफेस हमने पहले ही बना के रखी है, एक इसका सेंटर है क्यू, और इस पे सेंटर ओ है, और इस पे क्यू चार्ज रखा है, ठीक है. तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगा, आर रेडियस है, मान लीजिए इसका आर रेडियस है. तो जो ये सरफेस है इसके ऊपर हमें फ्लक्स निकालना है, क्यू चार्ज से इसके थ्रू कितना पास होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सरफेस स्मॉल एरिया एलिमेंट में, इस सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं. थ्री डायमेंशनल सरफेस है, आपको पता ही है, तो स्फीयर है, और इसका यहां हमने ले लिया एक एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ये सेंटर है, ठीक है. तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या हो, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि हम आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, तो एरिया वेक्टर हो गया आपका डेल्टा एस रेडियली आउटवर्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्यू जो चार्ज हमने लिया वो सेंटर पे है, तो इसकी एक ही पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी. अब यहां से नेट फ्लक्स कितना पास होगा, तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं पहले एरिया एलिमेंट के थ्रू. तो द फ्लक्स थ्रू
एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट तो किसके बराबर होगा, निकाल लो इस एरिया एलिमेंट के थ्रू, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, हमें पता है ठीक है। अब ई डॉट डीएस हो गया, अब यहां पे ई और डीएस में एंगल कितना है, ई डीएस हम देख रहे हैं कोस 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो ये तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीएस, ये हो गया आपका कोस 0 1 होता है। तो ये फ्लक्स पास हो गया। अब आपको को कहेगा कि भाई डेल्टा एस तो इनफाइनाइटली स्मॉल लेने पड़ेंगे हमें, यानी कि नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट शुड बी इनफाइनाइट सो दैट ईच एरिया एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज ए प्लेनर एरिया, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, यू नो ये जानते हो आप, इक्वेशन नंबर ए बना लो मान लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गई, तो ये तो आपने निकाला एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स। अब फ्लक्स आप निकालना है नेट फ्लक्स, तो आप निकालो द नेट, देन नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस निकालिए। तो इंटीग्रेशन है हमारे पास मेथड, तो क्या करेंगे, फ्लक्स निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई करेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे, सरफेस हमारी क्लोज है तो वह रख दीजिए डी फाई की वैल्यू कांस्टेंट, आप बाहर ले सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैपिटल लिया था हमने तो फिर कैपिटल लोगे हर जगह आर स्क्वायर, और यहां क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस, बाकी चीजें इक्वेशन वन से जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गए। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो के की वैल्यू अब आप रख लीजिए, इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, और एरिया एलिमेंट आपने डीएस उसका इंटीग्रेशन लिया क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो इस तरह से जब एरिया एलिमेंट आप इनफाइनाइट लोगे पूरी सरफेस पे तो एरिया क्या आएगा, पूरी आपकी स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट करो कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दैट इज फ्लक्स। तो ये आपका गॉस लॉ आपने प्रूव कर दिया यूजिंग कूलम्स लॉ। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ आया, एरिया एलिमेंट के थ्रू पहले हमने फ्लक्स निकाला फिर उसका इंटीग्रेशन करके टोटल निकाल दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, विच इज आपका गॉस लॉ, यानी कि आपने कूलम्स लॉ यूज किया, ठीक है। जब आपने वैल्यू रखी इलेक्ट्रिक फील्ड की के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो यहां आपने कूलम्स लॉ यूज किया, अब इसको यूज करके आपने प्रूव किया गॉस लॉ का, तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, हमने फ्लक्स का क्या पढ़ा था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अभी पढ़ा, अगर सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, और एक चीज हमने पढ़ी थी फ्लक्स, तो हमने ये भी पढ़ा है कि फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने पढ़ा अभी कि भाई स्फीयर था, स्फीयर के अंदर आपने चार्ज रखा था, अगर स्फीयर ना हो उसके सेंटर पे चार्ज ना हो, मान लीजिए चार्ज सेंटर पे ना हो के कहीं दूसरी जगह रखा है, ठीक है, मान लीजिए यहां कहीं रखा है। अब हमने पढ़ा कि फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो अब ये सेंटर पे रखा हो चार्ज या कहीं साइड में रखा हो, जितना इसमें से फील्ड लाइन निकलनी थी वो तो अब भी निकलेंगी, सरफेस के थ्रू अब भी पास होंगी, इसका मतलब हमने प्रूव जरूर सेंटर पे रख के किया है, लेकिन ये चार्ज कहीं साइड में भी रखे हो सरफेस के तब भी फ्लक्स इतना ही रहेगा। और ये तो अगर ये सरफेस स्फीयर ना हो कि इरेगुलर शेप की भी हो तब भी आपको पता है कि जितना अगर मैं इसके बाहर एक और इरेगुलर शेप बना दूं तो जितना फ्लक्स आपके स्फीयर से पास हो रहा है उतना ही इरेगुलर सरफेस से हो रहा है, तो सरफेस चाहे जो भी हो, तो इसका मतलब सरफेस चाहे आपकी स्फेरिकल हो चाहे इरेगुलर हो,
फ्लक्स तो फाई अपॉन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ही पास होगा। तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, आप चीजों को समझो। क्लियर है? तो इसका मतलब सरफेस कोई भी, तो प्रूव हमने जो किया है सेंटर पे स्फीयर के चार्ज को लेके, बट इट इज ट्रू फॉर एनी सरफेस, एनी क्लोज सरफेस। क्लियर है? तो ये चीज थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये सिग्निफिकेंस है गॉस लॉ कि इट इज ट्रू नॉट ओनली फॉर सिंगल मतलब सिंपल केसेस बट ऑल्सो फॉर कम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इट होल्ड ट्रू फॉर ऑल क्लोज सरफेस एंड फॉर ऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट थोड़ा पॉइंट पढ़ते हैं। कोई आपसे कहे कि भाई ये गॉस लॉ हमने पढ़ लिया, अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ, ये एक चीज थोड़ा स्टडी करने वाली है गॉस लॉ। तो ये कोई कहे आपने भाई चलो गॉस लॉ पढ़ लिया किसी भी सरफेस के लिए, तो पहला पॉइंट हम यही लिखते हैं कि इसका मतलब हमने प्रूव चाहिए स्फीयर के लिए क्या है, बट गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज, व्हाट इट्स शेप और साइज। अब यहां पे अगर साइज की बात करूं मैं, अगर चार्ज आपने यहां रखा स्फीयर के अंदर, तो इसमें से अंदर वाला स्फीयर मान लीजिए आर रेडियस है इसकी, और चार्ज आपने सेंटर में नहीं साइड में रखा, तो इसमें से फ्लक्स हमें पता है पास होगा कितना, क्यू अपॉन एब्साइनल नोट, अंदर वाले फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अब जब अंदर वाले फ्लक्स के बाहर मान लीजिए हमने कॉन्सेंट्रिक एक और स्फीयर बनाया और इसकी रेडियस है मान लीजिए 2R, तो इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो अगर अंदर वाले में से फाइव अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि जितनी फील्ड लाइन अंदर हो उतनी बाहर वाले में से पास हो रही, तो साइज का भी फर्क नहीं पड़ेगा, शेप का तो पड़ेगा ही नहीं। तो अब साइज 2R कर दो, 3R कर दो रेडियस, फ्लक्स तो रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही, तो इसका मतलब साइज और शेप का फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, अब हमने फ्लक्स की जब हमने गॉस लॉ पढ़ा, तो हमने फ्लक्स को हम ये लिखते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्साइलन नॉट। तो यहां पे थोड़ी ध्यान रखने वाली है, जो ये Q चार्ज राइट साइड में है गॉस लॉ के ये, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में, इनकी बात करेंगे। तो अगर मैं ये सरफेस लेता हूं, Q चार्ज यहां रखा है, कोई बाहर भी रखा है Q1 या Q डैश कह लो, चलो Q डैश चार्ज बाहर भी रखा है सरफेस के, ठीक है, और मान लीजिए कोई दूसरे पॉइंट पे Q डबल डैश रखा है, और हमें यहां इसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ को यूज करके। अब ध्यान रखना, जब हम गॉस लॉ यूज करेंगे तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट साइड में, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, ये बाहर और अंदर दोनों चार्ज, एक्सटर्नल और इंटीरियर दोनों चार्ज की वजह से फील्ड है, लेकिन राइट साइड में जो हम चार्ज ले रहे हैं दैट इज ओनली एनक्लोज्ड चार्ज By the सरफेस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ड्यू टू, ध्यान रखना बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, बोथ चार्जेस दैट इज एक्सटर्नल जो रखे पॉइंट्स पे और इन द इंटरनल पार्ट ऑफ क्लोज सरफेस। तो ध्यान रखना, यानी कि चार्ज तो सिर्फ लेना है आपको एनक्लोज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से है, एनक्लोज और जो आउटसाइड है। क्लियर? इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक बहुत जल्दी जल्दी बताता हूं कि शेप, जो शेप का फर्क नहीं पड़ेगा, साइज का फर्क नहीं पड़ेगा, अगर क्यू चार्ज सरफेस के एनक्लोज है तो फ्लक्स हमेशा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही उससे पास होगा। और जब हम इसकी गॉस लॉ की बात करते हैं, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट में जो भी चार्ज रखें दोनों की तरफ से वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन जो राइट साइड में चार्ज है दैट इज ओनली द एनक्लोज चार्ज बाय द सरफेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, दोबारा देखना एक बार। क्लियर? नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, इसी पॉइंट को अगर मैं स्टडी करूं
कि अगर भाई जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक सरफेस चूज करनी पड़ती है, हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे थे, तो हमें एक गोशियन सरफेस चूज करनी पड़ेगी इस लॉ को अप्लाई करने के लिए। और गोशियन सरफेस एनक्लोज सरफेस होगी किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड, और ये गोशियन सरफेस को जब हम चूज करेंगे तो इसको चूज करते समय हमें एक क्लेवर चॉइस होनी चाहिए हमारे, यानी कि कुछ पॉइंट को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस गोशियन सरफेस को हम ऐसा लें कि इस तरह से थोड़ा माने कि ऑन द होल सरफेस और पार्ट वाइज ऑफ इट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड टेक वैल्यू जीरो और कांस्टेंट। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो इसकी सरफेस पे या पूरी सरफेस पे इसके किसी पार्ट पे, या कांस्टेंट हो। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करूं तो ये तो या तो पैरेलल हो, इट शुड बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, गोशियन सरफेस चूजन। तो जो गोशियन सरफेस हम ऐसे लेंगे, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम देखना काम हमारा आसान हो जाएगा अगर हम इन चीजों को ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन का मतलब हम गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, तो किस लिए पढ़ा भाई, किसका क्या फायदा है? तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो पहला पॉइंट है गॉस लॉ को यूज करके हमें फील्ड निकालना है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ध्यान रखना इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, थिन वायर है। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ये आपका वायर है मान ली, ठीक है, सॉरी सीधी लाइन नहीं बन रही लेकिन वायर है, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, और आपको इसके आसपास किसी पॉइंट पे जो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है मान लीजिए, वहां आपको फील्ड निकालना है, स्मॉल आर ले लेते हैं, क्लियर है? तो फील्ड निकालना है इससे आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे, ये आर डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अगर हम देखें कि इस वायर की वजह से अगर मैं यहां प्लस वन चार्ज रखूं तो एक ही पॉसिबल डायरेक्शन है, दैट इज अवे फ्रॉम द वायर इन दिस डायरेक्शन, क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि कोई इधर नहीं जा सकता इधर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो ये एक ही पॉसिबल डायरेक्शन है सिमेट्री की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इस पे निकालना चाहता हूं तो मुझे गॉसियन सरफेस एक एज्यूम करनी है, और गॉसियन सरफेस एक मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लूंगा जिसके कर्व्ड सरफेस पे ये आपका पॉइंट पड़ेगा जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस होती है हमेशा, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी, तो ध्यान रखना। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली। तो गॉसियन सरफेस के तीन पार्ट हैं, एक इसका बेस इधर वाला, एक इसका बेस इधर वाला। यहां पे एरिया एलिमेंट अगर मैं लूंगा कोई भी छोटा तो इसका एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम द वायर ही रहेगा यहां पे भी, और यहां पे भी अगर एरिया एलिमेंट हम लेते हैं तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके 90 डिग्री पे रहेगी। और यहां अगर मैं पी पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे अगर मैं एरिया एलिमेंट लेता हूं तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन यहां पे आउटवर्ड नॉर्मल लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो फ्लक्स निकाल लेते हैं, गॉस लॉ बाद में देखेंगे, पहले फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स निकालते हैं। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, ठीक है, अब निकालो इसको। तो जब मैं क्लोज सरफेस की बात करता हूं तो जब ये सरफेस अलग अलग, फर्स्ट सरफेस के लिए अलग, तो अब क्लोज का साइन लगाने की जरूरत नहीं, ई डॉट डीएस। सेकेंड सरफेस, ये प्लेन सरफेस लिया आपने, ई डॉट
ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड सरफेस जो कर्ड है हमारी उस पे ई डॉट ds, ठीक है, ये हम निकालेंगे। अब ये तो दोनों जीरो, क्योंकि फर्स्ट सरफेस पे बेस है उस पे दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा, ई डॉट ds यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर। तो हमारी जो कर्ड सरफेस है उस पे अगर हम देखें तो जीरो डिग्री का, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में जीरो डिग्री एंगल। तो अगर मैं इसको ई डॉट ds को डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड टर्म में लिखूं तो ई डी एस कॉस जीरो डिग्री। अब देखिए यहां पे कॉस जीरो वन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं, ये सिमेट्रिक है, इस लाइन चार्ज से दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस, यहां ले लो या इधर ले लो या कहीं भी ले लो थ्री डायमेंशन में इसके कर्व सरफेस पे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है आपकी कर्व सरफेस का एरिया, दैट इज 2πRL। अब RL कैसे, ये R डिस्टेंस है जो आपने गॉसियन सरफेस की रेडियस, और L लेंथ की आपने गॉसियन सरफेस यहां ली है इसका मतलब। तो ये इक्वेशन नंबर वन बन गई, ध्यान से देख लो। तो फ्लक्स हो गया E into 2πRL पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। अब बात करते हैं यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से कितना फ्लक्स होना चाहिए इसी गॉसियन सरफेस के थ्रू। तो जो गॉसियन सरफेस हमने पढ़ी, हमें पता है फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। और यहां पे अगर इस वायर पे जो चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो उसे हम क्यू बाई एल से डिनोट करेंगे, Q by L के बराबर होगी। L लेंथ का हमारी गॉसियन सरफेस है, यानी कि उसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा गॉसियन सरफेस के अंदर खाली, तो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो वायर का इस सरफेस Q चार्ज आ रहा है एनक्लोज, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q की जगह आप लिख लोगे लैम्डा L अपॉन इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर मैं वहां से बराबर करूं इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितना था E इंटू 2πRL, यहां पे कितना आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्साइलन नॉट, तो यहां से कैलकुलेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन 2πएप्साइलन नॉट। तो लाइन चार्ज थिन वायर है उसके ऊपर चार्ज है, तो उससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे आर डिस्टेंस पे ये आएगा, दैट इज कोई भी आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, और कोई कहे वेक्टर फॉर्म में लिखो इसी चीज वेक्टर फॉर्म, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है ऊपर पढ़ा आपने 2πε और आर कैप, तो आर कैप वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ओपी यानी अवे फ्रॉम द वायर अगर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है मान लो, तो फिर इस इक्वेशन को थर्ड बना दो, थर्ड ए थर्ड बी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज वायर नेगेटिवली चार्ज हो तो ये फिर टुवर्ड्स द वायर हो जाएगा, इसका मतलब अगर क्यू बड़ा है जीरो से पॉजिटिव है तो आर विल बी अवे फ्रॉम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर जिधर होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अवे फ्रॉम वायर। और अगर Q नेगेटिव है वायर पे जो चार्ज है तो फिर टुवर्ड्स द वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द वायर होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो ये आपने गॉस लॉ को यूज किया और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपने उसे इनफाइनाइट वायर के वायर से आर डिस्टेंस पे वो निकाल लिया। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, हम गॉस लॉ को यूज करना है लेकिन इस बार हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है लाइन चार्ज की वजह से नहीं निकालना है, इस बार हमें प्लेन ऑफ चार्ज की वजह से निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन हो गया ये, तो फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट और थिन, ध्यान रखना थिन प्लेन शीट, और अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो प्लेन ऑफ चार्ज ओनली है प्लेन शीट, तो इसकी वजह से हम गॉस लॉ यूज करेंगे। और जैसे हमने लाइन चार्ज की वजह से निकाला है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस बार इनफाइनाइट लेंथ की है, यहां पे जो मैं ये बना रहा हूं टू डायमेंशनल, यानी कि ये शेप
में बनाया, लेकिन ये हर डायरेक्शन में जा रहे, प्लेन है ये, तो इसका एंड जो है ना वो दूर इनफाइनाइट इसकी डायमेंशन है। इस पे मान लीजिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस शीट की वजह से हमें निकालना है इसके आर डिस्टेंस पे, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे है, यहाँ पे पी पॉइंट पे, और इसकी इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे हम, ये होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एरिया पे चार्ज फैला हुआ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वही उसी तरह का मेथड, पहले फ्लक्स निकालो, लेकिन उससे पहले हमें गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो पी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है फ्लक्स, तो हम एक गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी से ले सकते हैं, पैरेलल पाइप भी ले सकते हैं, जिसके एक सरफेस पे पड़ेगा पी पॉइंट, और पी पॉइंट के बिल्कुल मिरर इमेज में एक पॉइंट इधर होगा, पी डैश हम कह सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस तो आपको क्लोज लेनी पड़ेगी, तो पी डैश इधर हो गया। तो इस बार यहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ एरिया वेक्टर अगर लेंगे तो डेल्टा एस की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज अगर शीट पे है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहां पे भी अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं डेल्टा एस, तो आउटवर्ड नॉर्मली लोगे आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे भी अवे फ्रॉम द शीट ही जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आपने लिया है। और अगर मैं इसकी कर्व सरफेस पे कहीं भी बात करूं डेल्टा एस लूं, तो आउटवर्ड नॉर्मल में डेल्टा एस वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर भी अब ही जाएगा, यानी कि 90 डिग्री एंगल होगा इस सरफेस के लिए। तो मैं इस सरफेस को अगर मैं नाम दे दूं फर्स्ट, फर्स्ट सरफेस बोलेंगे, इसे सेकेंड नाम दे दूं, और इसे आप जो कर्व सरफेस है ना ये कहीं भी पूरी पूरी की पूरी, इसे थर्ड नाम दे दो। अब आपको फ्लक्स निकालना है, अभी गॉस लॉ का कोई काम नहीं है, पहले फ्लक्स की डेफिनेशन से निकालो, और फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, क्लोज सरफेस इंटीग्रल थ्रू द क्लोज सरफेस, यानी कि गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल ली यहां पे भी, और जब मैं क्लोज की बात करूं इसके पार्ट वाइज, तो फिर अब क्लोज का साइन नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस थर्ड, कर्व सरफेस आपकी। अब कर्व सरफेस पे ई और डीएस में 90 डिग्री का एंगल आएगा, तो ये तो जीरो जाएगा, ई डीएस कोस 90, और ये दोनों अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बराबर होंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई डीएस कोस 0 डिग्री, यहां पे भी ई डीएस कोस 0 डिग्री, और यहां 90 डिग्री आएगा, मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूं, ठीक है। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे शीट से दोनों तरफ पी पॉइंट और पी डैश, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर होंगे, और कोस 0 भी 1 हो गया, तो दोनों का जो इंटीग्रल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सेम आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट भी सेम आएगी, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेटेड डीएस करोगे, और मान लीजिए ये जो एरिया है आपकी सरफेस का, इसके प्लेन सरफेस का गॉसियन सरफेस वो ए है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या आएगा, ए ही आएगा, तो 2ea लिख दो। तो इक्वेशन नंबर 1। अब यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स कितना होता है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला, तो फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब q क्या है यहां पे, q है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि इस एरिया के अंदर कितनी चार्ज है जो आपकी गॉसियन सरफेस आपकी प्लेन ऑफ चार्ज को काट रही है। तो यहां तो सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया है, तो इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू q / a, तो फिर q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेम मेथड आपने यूज किया जैसे लाइन चार्ज में किया था, पहले आपने फ्लक्स निकाला फ्लक्स की डेफिनेशन से, फिर गॉस लॉ को यूज करके फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो निकाल दो दोनों को बराबर कर दो, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पी डैश पे भी इसकी मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि ई डज नॉट डिपेंड ऑन R, ये डिपेंड ऑन R, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसका मतलब यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, R पे डिपेंड ही नहीं करेगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो
वेक्टर फॉर्म में, तो बस आपको वेक्टर और दिखाना है। मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एल नॉट और आर कैप। अब आर कैप अगर पॉजिटिव ये शीट है तो अवे फ्रॉम द, अगर पी पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं तो अवे फ्रॉम द, और ये इक्वेशन थर्ड ए लिख लो, इसे थर्ड बी लिख लो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, लेकिन आपको पता है आर कैप का अगर पी पॉइंट पे बात करें तो अवे फ्रॉम द शीट। अगर इधर वाला कोई यूनिट वेक्टर आर डैश वगैरह लोगे तो फिर वो अवे फ्रॉम द शीट ही लेना है, और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड द शीट। तो सेम मेथड, ऐसे ही आपने उसमें पहले लाइन चार्ज में किया था ऐसे ही इसमें कर लिया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट कोड ले लेते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, थर्ड पॉइंट, थर्ड, ये गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन कि फील्ड, फील्ड निकालना है, गॉस लॉ को यूज करना है, और देखना कितना आसान हो गया वही काम जो हमें पहले इंटीग्रेशन वगैरह करने पड़ते, अब हमें डायरेक्ट हम गॉसियन सरफेस ही ऐसे चूज करते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल, इसकी वजह से निकालना है। तो लाइन चार्ज हो गया, ये हो गया, अब इसको आपको लेना है शेल, स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल का मतलब आपको पता है थ्री डायमेंशनल, ये इसका सेंटर है और ये इस पे चार डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। क्यू चार्ज मान लीजिए इस पे फैला हुआ है, आर इसका रेडियस है, तो फिर सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो प्रॉब्लम है, लिख के रख लो, पहले ही काम आएगी बाद में कहीं। तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, ठीक है। तो गॉसियन, वी टेक ए गॉसियन सरफेस, वी टेक ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसी के अराउंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे। गॉसियन सरफेस को चूज करने में या हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, वो जितना अच्छी तरह आप चूज करोगे उतना इजी पड़ जाएंगी चीजें। तो कंसीडर वी टेक ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर अराउंड इट। तो मान लीजिए यहां आपने गॉसियन सरफेस ले ली, क्लोज लेनी है आपको पता है, स्फेरिकल लेनी है और इसका रेडियस, और स्फेरिकल बनाई मैंने, देखो थोड़ा सा ये हाथ ऐसे हो गया, लेकिन ध्यान रखना ये कुछ स्फेरिकल बनाना है आपको, ठीक है। तो आर रेडियस की है, तो आर रेडियस की स्फेरिकल से है, और उसका भी सेंटर वही रहेगा जो आपकी, यानी कि कॉन्सेंट्रिक बनाई विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, सेंटर ओ आपका स्फेरिकल शेल का सेंटर है, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आप अगर मैं ये चीज देखूं, एक क्यू चार्ज अगर आपने इसके ऊपर दिया है पी पॉइंट पे, इस पे कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉसियन सरफेस पे, तो आप क्या करोगे, एरिया एलिमेंट लोगे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। और आप जी देखो कि अगर चार्ज इस सरफेस पे है, पी पॉइंट पे डायरेक्शन किधर हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज जो पॉसिबल है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो रेडियली आउटवर्ड ही हो सकती है, और कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है स्फेरिकल शेल पे, तो ये इनवर्ड हो जाता, बस इतना होता। तो इसका मतलब जब हम इसको ऑब्जर्व करें, कि इस चीज को देखें, कि एज देयर इज नो प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द स्फीयर, सो द फील्ड मैग्नीट्यूड कैन बी डिपेंड ओनली on the distance r from the center and the only possible direction is radial direction. तो flux through the Gaussian surface कितना होगा? Flux through Gaussian surface. तो थोड़ा चीजों को समझो, एक ही मेथड हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो हम पहले फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स निकालते हैं, और हमें पता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दैट सरफेस निकालते हैं। तो अगर हम यहां पे बात करें, तो अगर ई और डीएस में किसी भी पॉइंट पे अगर गॉसियन सरफेस पे लोगे, तो रेडियल ही डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एरिया वेक्टर बाहर लोगे। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो यहां पे ई डीएस कोर्स जीरो, कोर्स जीरो वन होता है,
ठीक है, ई बाहर ले लो, क्योंकि अगर आप गोशियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सेंटर से आपके जिस सरफेस पे चार्ज है शेल से, उसके सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होगा पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड में भी सेम होगा। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस जब करोगे तो ये आ जाएगा ई इंटू 4πr² आपकी गोशियन सरफेस का सरफेस एरिया, इक्वेशन नंबर ए। और फिर आप यूजिंग गॉस लॉ करोगे, मैंने बार बार यही मेथड यूज किया है, तो यूजिंग गॉस लॉ हमें क्या पता है कि फ्लक्स तो बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू कितना है, क्यू कितना है यहाँ पे, क्यू तो ये अपर इक्वेशन ए से देखो सिग्मा, या इसको ऐसे ही रखो अभी क्योंकि ये कुछ चीज़ जो इसके बेस पे भी हमें समझानी है। तो मान लीजिए ये है इक्वेशन टू, बाद में रख लेंगे क्यू की वैल्यू। तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू करूं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो हमें क्या मिलता है, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। इस इक्वेशन तक यहां तक समझो पहले, अब इसके कुछ समय पॉइंट देखने, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। यहां तक तो हमने क्या किया, ये सरफेस है स्फेरिकल शेल पे चार्ज है, हमने इस पे गोशियन सरफेस ले ली इसके बाहर, इस वो भी स्फेरिकल है, और फ्लक्स थ्रू द गोशियन सरफेस हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने फ्लक्स की डेफिनेशन से, कॉन्सेप्ट से निकाला, फिर हमने गॉस लॉ से निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। अब हमें जो पढ़ना है, हमें देखना है कि अगर ये पी पॉइंट आउटसाइड है सरफेस पे है या इनसाइड है, तो फिर कौन से पॉइंट पढ़ेंगे। तो इसका मतलब पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं इसके स्पेशल केसेज, अगर स्पेशल केसेज की बात करता हूं तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसके स्पेशल के, नहीं इसका फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द शेल दैट इज R इज इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन R। तो जो इक्वेशन थर्ड आपने बनाई थी याद करो, ई इंटू 4πr² था, तो ई 4πr² उधर चला जाएगा, और उधर आपका आ गया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 r² और कोई कहे डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो Q अपॉन 4πε0 r² आर कैप अवे फ्रॉम द रेडियली आउटवर्ड, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल। तो इक्वेशन वन कुछ भी बना लो इसे, चलो पीछे थर्ड बनाई थी इसे फोर्थ बना लो, फोर्थ ए फोर्थ बी, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो चलो डायरेक्शन की बात हो गई। अब कोई कहे कि भाई यहाँ पे अगर मैं सिग्मा की वैल्यू भी रख दूँ, चलो सिग्मा की वैल्यू रख दो, ये वेक्टर फॉर्म चलो छोड़ो, वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं है हमें, थोड़ा जल्दी वेक्टर फॉर्म में आप आर वेक्टर लगा सकते हो। यहाँ अगर मैं क्यू की वैल्यू रखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4πr², सबसे पहले इक्वेशन यही बनाई थी हमने, ये करके 4πε0 r², तो आपने देखना ये क्या बनता है सिग्मा r² अपर ε0 r² इक्वेशन फोर्थ बी। तो ये तो जो मिल गया, लेकिन ये इक्वेशन देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देती है, ये ऐसे ही देखो q चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पहले भी पढ़ा था, अगर q चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसका मतलब स्फेरिकल शेल जो चार्ज्ड है बाहर वाले किसी भी पॉइंट के लिए ऐसे ही बिहेव करेगी जैसे इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हो, ये रिजल्ट यही बता रहा है। सेकंड केस क्या हो सकता है, फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिक, तीसरी इक्वेशन से हम सारे रिजल्ट निकालेंगे, जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल का मतलब दैट इज आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो फिर इक्वेशन जो हमने ऊपर वाली ली है ना, इस बार हमारी गोशियन सरफेस जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होगी, तो इसका मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएंगे, जो इक्वेशन हमारी फोर्थ ए वगैरह मिली है ऊपर, तो इसी से फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ ए एंड फोर्थ बी तो इक्वेशन आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो क्यू अपॉन 4πε0
कैपिटल आर, तो ये भी वही चीज़ है कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे। फिफ्थ ए इक्वेशन लिख दो, तो बस इसमें यही फर्क होगा स्मॉल आर की जगह, और ई इज इक्वल टू, जब सिग्मा की वैल्यू रख दोगे सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, तो ये फोर पाई एप्साइन एल नॉट आर स्क्वायर, तो इस बार आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कटेंगे, सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्साइन एल नॉट बचेगा। तो फिफ्थ बी, तो ये रिजल्ट भी ऐसा ही है क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस वाला, तो इसका मतलब आउटसाइड द पॉइंट के लिए किसी के लिए या एट द सरफेस या नियर द सरफेस पॉइंट के लिए सेल ऐसे ही बिहेव करती है जैसे सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा किसी भी पॉइंट के लिए। अब थर्ड पॉइंट है आपका फील्ड इनसाइड द शेल, फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, शेल के अंदर आ गए आप किसी पॉइंट पे, दैट इज इस बार आपका जो पॉइंट है वो शेल के अंदर है, तो आपकी शेल ये थी चार्ज्ड, इसकी आर रेडियस और क्यू चार्ज था इसके ऊपर, तो ये आर रेडियस। इस बार आप किसी पॉइंट यहां पे हो आर, यहां इलेक्ट्रिक, तो फिर गॉसियन सरफेस यहां से हो जाएगी। और अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं वहां पे था ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, और राइट साइड में क्या था आपका था क्यू अपॉन एप्साइलन, लेकिन इस केस में तो क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि एन क्यू का मतलब होता है चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, तो एनक्लोज अगर गॉसियन सरफेस आप स्फेरिकल शेल के अंदर ले रहे हो इसके अंदर तो कोई चार्ज ही एनक्लोज नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, इक्वेशन सिक्स कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कोई का एक ग्राफ बना दो। तो अब आपका लास्ट पॉइंट आ गया, इसी जो आपने अभी पॉइंट पढ़ रहे थे, अब इसमें कोई कहे कि ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ, आर की वैल्यू जब कैपिटल आर हो जाए तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, हमने देखा है इनसाइड द शेल, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से। तो इस ग्राफ को ध्यान से, और ये वैल्यू वो है जो इसकी आर इक्वल टू आर पे होगी सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट। तो ये बड़ा ही कोई ग्राफ पूछ सकता है बिटवीन ग्राफ बिटवीन ई एंड आर फॉर चार्ज स्फेरिकल शेल, तो ये ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका टॉपिक तो एंड हो गया, लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे जाते जाते एक काम करना है। अगर मैं हमने पढ़ा था जब हमने गॉस लॉ का प्रूफ किया तो हमने कूलम्स लॉ से किया था, अब इसका थोड़ा सा मैं एडिशनल काम करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम कोई चीज पढ़े थोड़ा सा एडिशनल काम करें तो बड़ा मजा आता है। मैं उल्टा पढ़ रहा हूं आपको एडिशनल पॉइंट मान लो इसको, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, बस जाते जाते ये और देख लो जो हमने आज पढ़ा उसका सारा मजा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ, यहाँ मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। अब देखो ये कैसे पढ़ना है, तो अभी हमने जो ये केस पढ़ा ना कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है देखना ध्यान से। ये आपकी स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये आपकी स्फेरिकल शेल है चार्ज्ड, रेडियस है आर, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था हमारा क्यू अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर। और इसका मतलब अगर यहां पे जो हमारी शेल है इसको मैं आर टेंस टू जीरो करता जाऊं, इसकी रेडियस घटाते जाए, तो एक पॉइंट क्या आएगा, द स्फीयर विल बिकम ए पॉइंट चार्ज, देन देयर इज ओनली एन आउटसाइड एंड द फील्ड इज एवरीवेयर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो अगर आर को जीरो जीरो करते जाए तो ये पॉइंट चार्ज हो जाएगी और इसके सारे पॉइंट इसके बाहर ही रह जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे देंगे और इट इज गॉस, इट इज कूलम्स लॉ। तो आपने जो रिजल्ट गॉस लॉ से निकाला उसी से आप कूलम्स लॉ को गेट कर सकते हो, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो आप सोच के देखो कि अगर मैं इस शेल को इसका रेडियस जीरो कर दूं, धीरे धीरे कम करता जाऊं, तो सारे पॉइंट इसके आउटसाइड आएंगे, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटसाइड कितना होगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये ही तो कूलम्स लॉ है, तो इसका मतलब कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो ये मैंने पढ़ा, देखना थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू, आज इतना ही, बाय।